Hello friends, welcome back to my new video, and today we will be making a keychain जो कि हम अपने घर पे जो पुराना वेस्ट वूल होता है, जो एक्स्ट्रा ऊन बच जाती है, उससे बनाएंगे। और एक और बहुत ही प्यारा सा DIY मैं आपको एक हिमाचली जो ट्रेडिशनल लेस है वहाँ की, कुल्लू लेस, उससे बनाएंगे, और ये भी बहुत इजी है। सो लेट्स बिगिन। नॉर्मली इस टाइप से कीचेन होते हैं जो हमारे कीचेन टूट जाते हैं, तो हम इसको यूज़ कर एक बहुत ही प्यारा कीचेन घर पे क्रिएट कर सकते हैं। इस कीचेन को बनाने के लिए आपको घर पे अवेलेबल जो वेस्ट ऊन होती है वो यूज़ करनी है, और उसके लिए आपको एक लॉन्ग स्ट्रैंड यूज़ करना है, किसी भी कलर का आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपको कुछ स्ट्रैंड्स लेने हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कितना लंबा आपको कीचेन बनाना है। तो सबसे पहले हमें इस लॉन्ग स्ट्रैंड को इस रिंग में इस तरह से फोल्ड कर और पीछे से इस तरह से डालना है, और अब देखिए इसमें हमें एक नोट बनाना है। ये देखिए, इसे हम हमारे घर पे मैक्राम होती है उससे भी बना सकते हैं, वो भी वेस्ट ही रहती है। और अगर आपको मार्केट से परचेज करनी है तो मैक्राम भी बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल रहती है। अब देखिए हमें छोटे वाले स्टैंड को किस तरह से इस लॉन्ग स्ट्रैंड के अंदर प्लेस करना है। जस्ट इसे पीछे से लॉन्ग स्ट्रैंड के अंदर डालना है, और जैसी नोट हमने बिग स्ट्रैंड के लिए यूज़ की है रिंग में, सेम नोट हमें यहाँ पर भी लगाना है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे इस स्ट्रैंड को इस रिंग में प्लेस किया है। ये देखिए, आपको ये नोट कुछ इस तरह से नजर आएगा, आपको ये नोट कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने इन छोटे स्टैंड्स को इस बड़े स्टैंड में नोट लगाकर टाई किया है, तो हम और बाकी के जितने भी स्टैंड्स हैं उन्हें भी इसमें यूज कर सकते हैं। इनका प्रोसेस भी सेम रहेगा, जस्ट ये पीछे से आपको डालना है और यहाँ पर ऐसा नॉट डालना है। देखिए, एक स्टैंड आपने इस साइड रखना है और दूसरा स्टैंड आपको इस तरह रखना है। तो जब हम बाकी के सारे स्टैंड्स भी इसमें पूरे अच्छे से नॉट लगाकर फिट करते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनेगा, और जिसको हम एक लीफ की शेप में कन्वर्ट करेंगे, और वो हमारा की चेन रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही इजी और सिंपल है, तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिए। पहले तो हमें इसे, जो इसके छोटे वाले स्टैंड्स हैं, इन्हें कॉम की हेल्प से ओपन करना होगा, और उसके बाद हम इसे लीफ शेप में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीजर। सो चलिए पहले हम इसके जो छोटे स्टैंड्स हैं इनको कॉम कर लेते हैं, इन्हें ओपन कर लेते हैं। देखिए हमें इन स्टैंड्स को ओपन करना है, और इनको बहुत केयरफुली ओपन करना है, ताकि जब आप ओपन कर रहे हों तो यहाँ पर आपका कॉम नहीं आना चाहिए, अगर यहाँ पर आएगा तो ये ओपन हो सकता है। सो बहुत ही केयरफुली आपको इन स्टैंड्स को ओपन करना है ताकि ये बहुत फ्लफी दिखा। देखिए इन स्टैंड्स को ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब हमें इसे लीफ की शेप में कट करना है, तो चलिए इसे लीफ की शेप में कट करते हैं। तो आप इसको पहले पूरे अच्छे से प्रेस कर दीजिए, और उसके बाद आप इसे एक लीफ शेप में कन्वर्ट करेंगे, और ये बहुत ही प्यारा सा एक आपको की चेन मिलेगा। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं लीफ में।
देखिए इसे बहुत केयरफुली आपको कट करना पड़ेगा ताकि हमें लीव की ही शेप मिले। अब हमने इसको कट कर दिया है, अब हम इसे थोड़ा कॉम कर लेते हैं ताकि हमें इसके एक्स्ट्रा जो और भी स्ट्रैंड्स हैं वो निकाल सके। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बहुत ही केयरफुली कॉम कर रही हूँ ताकि स्ट्रैंड्स ना निकल जाएं। अभी हमें इसे अच्छे से शेप देनी है। आप देख सकते हैं कटिंग करने के बाद हमारा जो ये की चेन है ये लीव की शेप में आ चुका है और ये रेडी है, अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप ट्राई करिए, आप मैक्राम से भी ट्राई कर सकते हैं। ये एक और बनाया है मैंने, तो ये दोनों के दो बहुत इजी वे से मैंने बनाए हैं। अब हम अपना दूसरा DIY की चेन इस हिमाचली लेस से बनाने वाले हैं। इस लेस को जनरली शॉल्स में यूज़ किया जाता है, तो चलिए अब हम इससे अपना DIY क्रिएट करते हैं। आपको जितना भी लंबा अपना की चेन बनाना है उसके अकॉर्डिंगली आप इसे कट कर लीजिए। देखिए मैंने अब इसे कट कर दिया है जितना मुझे चाहिए। अब हम इसको थोड़ा फिनिशिंग देते हैं, इसे निडल और थ्रेड की हेल्प से थोड़ा फिनिशिंग दूंगी। मैंने थ्रेड और निडल की हेल्प से इसे फिनिशिंग दी है और अब हम अपने कीचेन को कंप्लीट करते हैं। देखिए मैंने इसे अंदर से जस्ट फिनिशिंग देने के लिए थ्रेड और निडल की हेल्प से जस्ट इसको स्यू किया है। तो अब हम इसको ऊपर से पिन करेंगे थ्रेड और निडल की हेल्प से, आप देख सकते हैं। तो मैं अब इसे थ्रेड और निडल की हेल्प से स्यू करने जा रही हूँ। आई हैव स्यूड दिस एंड सी दिस आर ब्यूटिफुल की चेन इज रेडी एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल DIY जो आप बहुत ईजिली क्रिएट भी कर सकते हैं। होप यू लाइक दिट, थैंक यू।